नमस्कार, मैं राकेश शेट्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। मुझे नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स है वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। आज उन्होंने ये दिखा दिया कि जो बिजनेसमैन इस देश के नेशनल बैंकों को लूट कर विदेश जाके बैठे हैं, जैसे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इनके सपोर्ट में बाहर आकर आज भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये बिजनेसमैन को लोन दिलाने में भी इनका हाथ था और इनको देश से बाहर भेजने में भी इन्हीं का हाथ था। आज राहुल गांधी जी के ऊपर गुजरात सूरत में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और जो लोग इस देश के बैंकों को बेवकूफ बनाकर हजारों करोड़ रुपया लेके लंदन में बैठे हैं, ऐसे लोगों के चोर बोल दिया। जैसे नीरव मोदी चोर है और ललित मोदी को चोर है, ऐसा कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी को आज एक गुजरात में सूरत के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी और आज पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई बहस नहीं नया करते हुए डायरेक्टली राहुल जी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यता था उसको रद्द कर दिया। मुझे लगता है कि आज पूरा देश देख रहा है, जो ललित मोदी, जो नीरव मोदी, जो विजय मल्या हो, या आज के डेट पे सबसे बड़ा जो स्कैम हिडनबर्ग ने रिपोर्ट से बाहर आया वो अदानी जी, ऐसे भ्रष्ट बिजनेसमैनों को सपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज क्योंकि राहुल गांधी ने देश भर में, दुनिया भर में मोदी जी और अदानी जी का जो रिश्ता है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसलिए राहुल जी को पार्लियामेंट जाने से रोकने के लिए, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते वक्त डरते नहीं है, इसलिए उनका सदस्यता रद्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपका इस एक्ट का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने आज हमें अपॉर्चुनिटी दिया है। इतने महीनों से हम जो लगातार कह रहे थे कि आप लोग अदानी को हर चीज बेच रहे, रेल बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, हर एक चीज, भूमि अधिग्रहण बिल, जो फार्म लॉ लाए, सब उनके फेवर में लाए। और आप क्योंकि इतना देश भर में आंदोलन है इसलिए आपको फार्म लॉ वापस लेना पड़ा, मगर जो संपत्ति है दोस्तों, आप लोग कुछ दिन रुक जाओ कि इंडिया के जितने रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के आजू बाजू की जमीन बहुत महंगा है। नरेंद्र मोदी जी रेलवे के ऊपर का जो जगह है वो मुफ्त में अदानी जी को देने वाले। आप थोड़ा दिन रुक जाइए, आप देखिएगे कि अदानी मुंबई और पूरे देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल, शॉपिंग मॉल बनाएंगे। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगेगा वो बैंकों से लेंगे। मॉल चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, वो चलाएंगे, उसमें प्रॉफिट जिस पार्टी ने उनको मदद की उनको पार्टी फंड भी देंगे। अगर वो जो मॉल रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाएंगे, अगर वो मॉल डूब जाता है तो जिस बैंक से लिया वो भी सरकार का, रेलवे स्टेशन भी सरकार का, बोल देंगे कब्जा करो। ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम आज इस देश में किया जा रहा है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने ये किया कर अपने आप को एक्सपोज कर दिया। और जो न्यूज एंकर ये कहता था कि राहुल गांधी रेलेवेंट नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है, आज उनको पता चलेगा कि पूरी की पूरी आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब लोग राहुल जी के पीछे पड़े। राहुल जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किए, 5 महीने 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा का पदयात्रा इन्होंने किया, इनसे, इनके पॉपुलैरिटी से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है।
इसके कारण राहुल जी को डराने धमकाने और दबाने का काम कर रही है। मगर मैं पूरे विश्वास से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता उनके साथ है, और जो जनता जिन्होंने 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो भी जनता धीरे धीरे ये समझ जाएगी कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया वो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्या और अदानी, इन सब बिजनेसमैन को मदद करने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।